दोस्तों आप सभी के लिए फिर से मैं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग सीरीज लेके आ चुका हूँ जिनमें क्या आपको 80+ का कंटेंट भर भर के देखने को मिल जाता है। सभी सीरीज काफी टॉप लेवल की है और मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद सभी सीरीज को एंजॉय कर लीजिए। वेल अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक शेयर कर देना, जिससे हमें काफी से हेल्प मिल जाएगी ऐसे कंटेंट बनाने में। JL50 सीरीज में स्टोरी देखने को मिलती है एक प्लेन की, जो कि मिस्टीरियस तरीके से 50 साल पहले गुम हुआ होता है, लेकिन मिस्टीरियस तरीके से वो 50 साल बाद फिर से वापस आ जाता है और उसी के मिस्ट्री को इस सीरीज में सॉल्व किया जाता है। सीरीज काफी से कमाल की है और सीरीज को IMDb ने 7.6 की रेटिंग दी है। साल 2017 में इस सीरीज जिसका नाम है मिस मैच, सीरीज आपको एडल्ट कॉमेडी के ऊपर देखने को मिलती है और अगर आप एक एडल्ट कॉमेडी लवर हो भाई, इस सीरीज को एक बार आपको मस्ट ट्राई करना चाहिए। सीरीज का मैं प्लॉट बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूंगा जिससे कि आपका मैं मजा स्पॉइल कर दूं, और सीरीज काफी कमाल की है और पर्सनली मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं इस सीरीज को एक बार आपको मस्ट ट्राई करना चाहिए। सीरीज को IMDb ने 5.9 की रेटिंग दी है। साल 2019 में सीरीज जिसका नाम है बेकाबू, सीरीज को IMDb ने 6.7 की रेटिंग दी है। सीरीज काफी ज्यादा कमाल की है और सीरीज में स्टोरी देखने को मिलती है एक लड़के की जिसका नाम होता है कियान रॉय, जिसकी जिंदगी उस समय काफी ज्यादा डेंजर में आ जाती है जब उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन वो लड़की कैसे उसकी जिंदगी तबाह करने में लगी रहती है वही आपको सीरीज का प्लॉट देखने को मिलता है। सीरीज काफी ज्यादा कमाल की है और सीरीज को आप 100% काफी ज्यादा पसंद भी करने वाले हो। साल 2018 में इस सीरीज जिसका नाम है चरित्रहीन, सीरीज काफी कमाल की है और एक ही लाइन में इस सीरीज को कहना चाहूंगा ऑसम। सीरीज का मैं प्लॉट बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूंगा और मैं आपको यही रिकमेंड करता हूं कि अगर एडल्ट कंटेंट के ऊपर सीरीज देखना पसंद करते हो तो भाई इस सीरीज को एक बार आपको ट्राई करना चाहिए। सीरीज के कुल अभी तक आपको 3 सीजन देखने को मिल जाते हैं, तीन सीजन को आप फ्रीली एंजॉय कर सकते हो IMAX में, और सीरीज को IMDb ने 4.7 की रेटिंग दी है। साल 2014 में आई सीरीज जिसका नाम है परमानेंट रूममेट्स, इसके कुल अभी तक आपको 2 सीजन देखने को मिलते हैं और दोनों सीजन को आप फ्रीली एंजॉय कर सकते हो IMAX में। अब सीरीज में स्टोरी देखने को मिलती है एक कपल की जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को फॉलो करते हैं और कैसे इतनी दूर रहने के बावजूद भी वो अपने प्यार को बरकरार करते हैं, वही आपको सीरीज का प्लॉट देखने को मिल जाता है। सीरीज काफी कमाल की है और सीरीज को IMDb ने 6.7 की रेटिंग दी है।